Good morning, students. Today we will discuss very important topic of amines, their basic nature. You all know that amines are basic in nature. जैसे कि कोई भी आप amine ले रहे हैं, अगर आप उसकी aqueous medium में reaction करते हैं तो they furnish OH negative ion, hydroxyl ion आपको वो रिलीज करते हैं, जो कि ये कहते हैं कि दिस इज़ बेसिक इन नेचर। तो बेसिसिटी को आप के बी की फॉर्म में मेज़र करते हैं, तो के बी इज़ इक्वल टू आर एन एच थ्री प्लस की कंसनट्रेशन इंटू हाइड्रोक्सिल आयन की कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाय एमीन की कंसनट्रेशन। वाटर की कंसनट्रेशन जो है दैट इज़ कॉन्स्टेंट, एक्वस एक्सेस में होता है, ये कॉन्स्टेंट रहता है। तो आप के बी की वैल्यू मेज़र करेंगे, के बी इज़ डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू बेसिसिटी। जितनी के बी की वैल्यू ज़्यादा होगी आपका वो एमीन उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा, ठीक है। और समटाइम्स आप के बी की बजाय पी के बी स्टडी करते हैं, पी के बी इज़ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के बी, एंड दिस पी के बी जो है दैट इज़ इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू बेसिसिटी। जितनी बेसिसिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी ही आपकी पी के बी कम होगी उसकी, और वाइस वर्सा। पी के बी अगर ज़्यादा है तो लीस्ट बेसिक होगा, पी के बी अगर आपका कम है तो दैट विल बी स्ट्रॉन्गली बेसिक, ठीक है। तो आइदर यू कैन स्टडी बेसिक कैरेक्टर इन फॉर्म ऑफ के बी और यू कैन स्टडी इन फॉर्म ऑफ पी के बी, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम एलिफैटिक एमीन्स, एरोमेटिक एमीन्स, इनका आपस में कंपैरिजन और क्या सब्स्टिट्यूएंट्स का इफेक्ट रहेगा बेसिसिटी के ऊपर, ये सब टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम ये लेते हैं कि बेसिसिटी ऑफ ऑल एलिफैटिक एमीन्स, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी या टर्शरी, दैट इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ अमोनिया। कि सारे के सारे एलिफैटिक जो एमीन्स हैं वो अमोनिया से ज़्यादा बेसिक होंगे। क्यों होंगे? अब आप देखिए, अमोनिया इज़ NH3, ठीक है, और यहाँ पर इसमें लोन पेयर प्रेजेंट है। अब आप एमीन की बात करें तो मैं सिर्फ प्राइमरी एमीन ही लिख रही हूँ। अब प्राइमरी एमीन में आपके RNH2 हो जाएगा, तो R ग्रुप प्रेजेंट है जिसका कि प्लस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई इफेक्ट का मतलब दिस इज़ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्गली बेसिक होगा। तो R ग्रुप क्या करेंगे, जो मिथाइल ग्रुप्स हैं दे इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम, ठीक है। नाइट्रोजन एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, दैट इज़ दे मेक द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम ईजिली अवेलेबल फॉर शेयरिंग, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो उतनी ही जल्दी शेयर करेगा, ईजिली शेयर करेगा, इसीलिए उसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो प्राइमरी में ये एक R ग्रुप है, सेकेंडरी में दो हो जाएंगे, टर्शरी में तीन हो जाएंगे। तो यानी इन जनरल जो बेसिक कैरेक्टर है अमोनिया का कम रहेगा एलिफैटिक एमीन से। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन बेसिस ऑफ योर इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। अब हम कंपेरिजन करते हैं एलिफैटिक एमीन्स का, कि एलिफैटिक एमीन्स में आपकी हैं सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी एमीन, तो उनका क्या ऑर्डर रहेगा? तो उनका ऑर्डर आपका रहेगा, ऑर्डर मैं बता रही हूँ, ये रहेगा सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी, रैंडम ऑर्डर है, और ये हमारा ऑर्डर सॉल्यूशन फेज में रहेगा। जो रिएक्शंस करते हैं हम जो है सॉल्यूशन फेज में ही करते हैं, अभी मैं आपको आगे डिटेल में बताती हूँ, अभी फ़िलहाल मैंने आपको जस्ट ऑर्डर बताया है। तो वाई दिस इज़ सो, तो इंडक्टिव इफ़ेक्ट जो है अगर हम कंसीडर करें प्लस आई इफ़ेक्ट, तो प्लस आई इफ़ेक्ट क्या कहता है? प्लस आई इफ़ेक्ट के अकॉर्डिंग R3N जिसके अंदर 3 एल्काइल ग्रुप हैं, दैट शुड बी मोर बेसिक देन R2NH, दैट शुड बी मोर बेसिक देन RNH,
टू, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें थ्री आर ग्रुप्स हैं, इसमें टू आर ग्रुप्स हैं, इसमें वन आर ग्रुप है, तो जो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट विल बी मैक्सिमम इन केस ऑफ टर्शरी एल्कीन, अमीन्स, टर्शरी एल्कीन अमीन्स के केस में नाइट्रोजन डेंसिटी मैक्सिमम होगी, तो नाइट्रोजन डेंसिटी मैक्सिमम होगी तो दैट शुड बी मोस्ट बेसिक, शुड बी कह रही हूँ मैं अभी, ठीक है। तो एलिफेटिक एमीन्स में टर्शरी में थ्री एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, तो इसकी बेसिसिटी ज़्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, एज कम्पेयर टू प्राइमरी, ठीक है। देन सेकेंड इफेक्ट, कोई एक सिंगल इफेक्ट आपका इनकी बेसिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, स्टीरिक इफेक्ट। स्टीरिक इफेक्ट क्या कहता है, जब भी आपकी कोई भी एमीन है, जैसे कि आपकी सपोज करो मैंने ये एमीन लिख दी प्राइमरी, ये आपकी एच प्लस के साथ रिएक्शन करके जब आपका सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन ये बना रही है, तो सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन के अंदर अब यहाँ पर जो आपका है क्राउडीनेस ज़्यादा होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपकी इसकी हो गई और क्राउडीनेस ज़्यादा हो गई, एक एच प्लस इसके साथ अटैक हो गया, तो क्राउडीनेस ज़्यादा किसके केस में सबसे ज़्यादा होगी, जब ये तीनों ग्रुप्स बल्कि होंगे, ठीक है। तो जितना स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी उतनी ही आपकी उसकी टेंडेंसी कम रहेगी बनने की, उतना ही क्योंकि वो कम स्टेबल होगा। तो स्टीरिक फैक्टर क्या कहता है, स्टीरिक फैक्टर ये कहता है कि ये जो प्राइमरी का आयन है दैट इज़ मोस्ट स्टेबल एज कम्पेयर टू, अगर यहाँ आर होता एक और, यानी कि सेकेंडरी एज कम्पेयर टू टर्शरी, यानी कि जबकि ये तीनों आपके ग्रुप्स आर होते। तो प्लस आई इफेक्ट कहता है टर्शरी ज़्यादा होना चाहिए सेकेंडरी से और प्राइमरी कम, स्टीरिक कहता है प्राइमरी ज़्यादा सेकेंडरी कम टर्शरी उससे कम, ठीक है। एंड थर्ड फैक्टर इज सोल्वेशन पावर ऑफ द आयन फॉर्म्ड, या सोल्वेशन इफेक्ट आप इसको कह सकते हैं, कि जो अब ये सब्स्टिट्यूटेड आयन बन रहा है, जैसे कि इसमें क्या बना है प्राइमरी के केस में, प्राइमरी के केस में आपका बना है Rn(NH3+), ठीक है, प्राइमरी के केस में, तो दैट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद थ्री वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इसके अंदर थ्री एच प्रेजेंट हैं। और अगर आप टर्शरी सेकेंडरी की बात करें, सेकेंडरी के अंदर आर आर एन प्लस एच एच ये दो प्रेजेंट होंगे, तो दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद टू वाटर मॉलिक्यूल्स। और अगर आप टर्शरी की बात करें, आर 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 एन एक ही एच प्रेजेंट होगा, तो इट कैन फॉर्म वन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसने वन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया है, इसने टू बनाए हैं सेकेंडरी ने, और इसने थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाए हैं, ठीक है। यानी इसकी सोल्वेशन पावर मैक्सिमम हो गई, तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो गई इसकी, बिकॉज इट कैन फॉर्म थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर मॉलिक्यूल। और टर्शरी वाला जो आपका है वो लीस्ट स्टेबल हो गया, एज इट कैन फॉर्म ओनली वन हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके अंदर सोल्वेशन मिनिमम है, इसके अंदर सोल्वेशन मैक्सिमम है, ठीक है। अब जैसे जैसे आपके हाइड्रोजन आयन आप देख रहे हैं कम होते जा रहे हैं, इसके अंदर वन ही था, इसके अंदर टू थे, इसके अंदर थ्री थे, सोल्वेशन कम होती जा रही है, स्टेबिलिटी आपकी कम होती जा रही है, ठीक है। यानी कि सोल्वेशन जो आपका इफेक्ट है वो ये कहता है प्राइमरी शुड बी मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एज कम्पेयर टू टर्शरी, यानी कि प्राइमरी का बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, एज कम्पेयर टू टर्शरी, ठीक है। तो तीनों फैक्टर्स के हिसाब से आपने ऑर्डर बता दिया। अब फाइनली आप कोई भी इन तीनों में से एक सिंगल फैक्टर जो है दैट कैन नॉट एक्सप्लेन द बेसिसिटी ऑफ
रिलेटिव बेसिसिटी ऑफ एलिफैटिक एमीन्स, तीनों फैक्टर्स को एक्सप्लेन करने के बाद अब आप ये लिखेंगे, व्हेन ऑल द थ्री फैक्टर्स ऑपरेट साइमल्टेनियसली, जब आपके ये जो तीन के तीन फैक्टर हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, स्टीरिक इफेक्ट और सोल्वेशन इफेक्ट, जब आपके ये साइमल्टेनियसली ऑपरेट करते हैं, तो इट वाज फाउंड दैट बेसिसिटी ऑफ एमीन्स वाज फाउंड टू बी इन दिस ऑर्डर। सेकेंडरी आपके ज़्यादा बेसिक होंगे एज कंपेयर टू प्राइमरी, एज कंपेयर टू टर्शरी, क्योंकि हम रिएक्शंस को सॉल्यूशन फेज में करते हैं आप रिएक्शंस को, और सॉल्यूशन फेज में जो सॉल्वेशन पावर है दैट प्लेज एन इफ इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग देयर बेसिसिटी। लेकिन ये देखिए, ये बहुत ही स्टूडेंट्स गलत करते हैं। गैशियस फेज में अगर आपसे ट्रेंड पूछा जाता है, तो गैशियस फेज में ये वाला सोल्वेशन जो इफेक्ट है वो तो नील होगा, क्योंकि आप गैशियस फेज में रिएक्शन कर रहे हैं, तो वहाँ सिर्फ आप इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पर एक्सप्लेन करेंगे, और इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पर आपका ऑर्डर क्या रहता है कि टर्शरी जो एमीन्स है दैट शुड बी मोर बेसिक देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, क्योंकि इसके अंदर तीन आपके एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये ऑर्डर का ध्यान रखना है आपने। अगर आपसे गैशियस फेज में पूछा जाता है, तो टर्शरी इज मोर स्टेबल बेसिक देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, लेकिन आपसे गैशियस फेज की बात नहीं कर रहे कोई भी, तो अंडरस्टूड है, इट मीन्स आपसे सॉल्यूशन फेज की, आपसे एक्वस फेज की बात हो रही है, क्योंकि जो सारी रिएक्शंस हैं वो हम जो है गैशियस मीडियम में ना करके सॉल्यूशन फेज में करते हैं, और सॉल्यूशन फेज में सॉल्वेशन पावर जो है दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, और उस वजह से आपका जब ये तीनों फैक्टर इकट्ठे ऑपरेट करते हैं, तो द बेसिसिटी वॉज फाउंड टू बी इन ऑर्डर, सेकेंडरी इज मोर बेसिक देन प्राइमरी एंड देन टर्शरी। ठीक है, तो ये आपका ऑर्डर था अभी तक। एलिफैटिक एमीन्स का किया हमने, एलिफैटिक एमीन्स का हमने ऑर्डर अमोनिया के साथ भी कर लिया, कि एलिफैटिक एमीन्स आपके अमोनिया से ज़्यादा बेसिक होंगे, ये रीज़न हमने पढ़ लिया। देन हम बात करें एरोमेटिक एमीन्स की। एरोमेटिक एमीन अब आपके इन सबसे कम बेसिक होंगे, एरोमेटिक एमीन की बेसिक कैरेक्टर और भी कम हो जाएगा इन सबसे। वाई दिस इज सो? अब एरोमेटिक एमीन्स, अब हम बात कर रहे हैं एरोमेटिक जो एमीन्स हैं वो अमोनिया से भी कम, अमोनिया इनसे कम है ये हम कर चुके हैं। अब हम बात करें एरोमेटिक जो एमीन्स हैं दे आर लेस बेसिक देन अमोनिया। अब अमोनिया के अंदर क्या है, NH3 है जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, दैट इज़ इजीली अवेलेबल फॉर शेयरिंग, ये नाइट्रोजन के ऊपर ही प्रेजेंट रहेगा, और इस वजह से इसका बेसिक कैरेक्टर जो है ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू एनिलिन, क्योंकि एनिलिन के अंदर एरोमेटिक एमीन में मैं एनिलिन का केस ले रही हूँ। तो सपोज करिए दिस इज योर एनिलिन, एनिलिन में नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है दैट टेक पार्ट इन रेजोनेंस, जिसकी वजह से ये नाइट्रोजन के ऊपर अवेलेबल नहीं रहता। देखिए कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपने पढ़े हुए हैं, ये नाइट्रोजन वाला पेयर यहाँ शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका बन गया ये इधर ये इधर, ये डबल बॉन्ड एन हो गया, नाइट्रोजन के ऊपर अब प्लस चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में दिस विल मूव हेयर एंड दिस विल मूव हेयर, आपका नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ आ गया, अब नेगेटिव चार्ज यहाँ है, डबल बॉन्ड NH2 प्लस, और नेक्स्ट में दिस विल मूव हेयर एंड दिस विल मूव हेयर एंड यू विल गेट योर फाइनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड ये NH2 प्लस।
तो पांच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके बेन इसके एनिलिन के बन गए। और इन पांच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से अब आप देखिए स्ट्रक्चर 3, 4 एंड 5 में नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कि ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से क्या हो गया, नाइट्रोजन के जो पेयर हैं उन्होंने रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लिया विद बेंजीन रिंग एंड दे आर नॉट अवेलेबल फॉर शेयरिंग। अब ये शेयरिंग के लिए अवेलेबल नहीं है इन स्ट्रक्चर 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो जब ये अवेलेबल नहीं है तो नेचुरली इनका बेसिक कैरेक्टर कम होगा, ठीक है। एंड सेकेंडली, जब ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, अवेलेबल हैं, एनिलिन प्रेजेंट है और H प्लस के साथ इसने रिएक्शन करी, तो इसने अब बना लिया एनिलिनियम आयन। अब क्या हुआ, एनिलिन जो थी वो तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड थी, उसके आपके पांच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे थे, और जो एनिलिनियम आयन है दैट डू नॉट शो रेजोनेंस। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट ही नहीं है। अब जब ये रेजोनेंस शो नहीं करेगा तो इसका मतलब ये कम स्टेबल है, कम स्टेबल है तो इसकी बनने की टेंडेंसी भी कम रहेगी, ठीक है। तो एक ये फैक्टर हो गया कि एनिलिन आपका वीकर बेस रहेगा एलिफैटिक एमीन से, क्योंकि जो एनिलिनियम आयन बन रहा है एनिलिन के केस में दैट इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू एनिलिन, ठीक है। एंड मोर ओवर देयर आर 3 स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ एनिलिन इन विच देयर इज पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम, दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर नॉट अवेलेबल फॉर शेयरिंग, और यू कैन से जो एनिलिन है वो आपका इनसे कम बेसिक हो जाएगा, ठीक है। देन अगर हम बात करें एरोमेटिक एमीन्स हैं आपके, लेकिन एरोमेटिक एमीन्स में मिक्स्ड आपके एमीन्स हैं, मिक्स्ड एलिफैटिक एरोमेटिक एमीन, यानी कि मैं कहूँ कि एक मेरे पास एनिलिन है और एक मेरे पास एन मिथाइल एनिलिन है और एक मेरे पास एन एन डाइमिथाइल एनिलिन है, ठीक है। अब इनका बेसिक कैरेक्टर मेरे से कहा है कि एक्सप्लेन करो, तो जो मिक्स्ड वाले एलिफैटिक एमीन हैं वो आपके ज़्यादा बेसिक होंगे एज कंपेयर टू एनिलिन, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब आप देख रहे हैं यहाँ आपका एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और इसके अंदर आपके 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है जिसका कि प्लस आई इफेक्ट है, तो ये नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इनक्रीज करेंगे, ठीक है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इन मिक्स्ड एमीन्स दे विल मेक द इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल फॉर शेयरिंग एज कंपेयर टू इन केस ऑफ प्योर एरोमेटिक एमीन्स, ठीक है। तो इस वजह से ये जो है मिक्स्ड एलिफैटिक एरोमेटिक एमीन्स जो हैं दैट विल बी मोर बेसिक, एन एन डाई मिथाइल एमीन विल बी मोर बेसिक देन एन मिथाइल एनिलिन एंड विच इज मोर बेसिक देन एनिलिन, क्लियर। देन एक और बात करें, अगर हमारा एर एल्काइल एमीन है, एर एल्काइल एमीन मैंने क्या बताया था, जिसमें आपका NH2 ग्रुप साइड चेन के साथ प्रेजेंट है, जैसे कि ये आपका हो गया बेंजाइल एमीन, ठीक है। तो दे आर स्ट्रोंगर बेसिस देन अमोनिया, ये अमोनिया से स्ट्रोंग होंगे ये बेसिस, ठीक है। व्हाई दिस इज सो, व्हाई दे आर बेसिक इन नेचर, दिस इज बिकॉज अब जो इसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है नाइट्रोजन के ऊपर दैट आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व यहाँ भी नहीं हो रहे, यहाँ भी नहीं हो रहे, बट इसका बेसिक कैरेक्टर स्टिल ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि ये जो बेंजाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ये बेंजाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होता है
अब प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से ये इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इनक्रीज करेंगे नाइट्रोजन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हैं, यहाँ आपके अब बेंजाइल प्रेजेंट है और बेंजाइल का प्लस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट होने की वजह से जो बेंजाइल एमीन है उसमें नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसीलिए एर एल्काइल एमीन्स जो हैं दैट विल बी मोर बेसिक देन अमोनिया, ठीक है। देन हम करते हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन बेसिसिटी ऑफ एमीन्स, कि आप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स लगा दें या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगा दें तो क्या होगा। अब आप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स लगा दें, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स आपको पता है ना, जैसे मिथाइल ग्रुप आपने लगा दिया, NH2 ग्रुप लगा दिया आपने, मिथॉक्सी ग्रुप लगा दिया, ये आपके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो दे इंक्रीजेज द बेसिसिटी। हम फिनोल्स का ट्रेंड पढ़ चुके हैं, फिनोल्स से बिल्कुल अपोजिट होता है, वहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बेसिसिटी को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर आप लगा दें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे आपके नाइट्रो ग्रुप आपने लगा दिया, ठीक है, तो ये जो नाइट्रो ग्रुप है आपका दैट विल डिक्रीज द बेसिसिटी। अब वाई दिस इज सो, बिल्कुल आसान है अगर आपको बेसिक कैरेक्टर समझ आ गया है, कि ये जैसे आपका एनिलिन था, एनिलिन में आपने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दिया, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, और नाइट्रोजन डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी बेसिसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। सेकेंडली जब ये रिएक्ट करके एसिड के साथ आपका एनिलिनियम आयन बना रहे हैं, तो एनिलिनियम आयन में अब यहाँ प्लस चार्ज आ गया नाइट्रोजन के ऊपर, आपने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाया, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इस एनिलिनियम आयन को स्टेबलाइज करेगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये, और स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। यानी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो बेसिसिटी भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसके ऑपोजिट आप लेके देखें कि आपका NH2 ग्रुप है और आपने इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, तो दैट डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेज का मतलब जो बेसिसिटी है वो भी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। और इसी तरह आप ये कर सकते हैं कि एनिलिनियम आयन बना आपका, एनिलिनियम आयन बनने के बाद अगर आप अब इस पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, तो पहले ही आपका नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, तो दैट विल डीस्टेबलाइज द एनिलिनियम आयन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डीस्टेबलाइज कर देगा एनिलिनियम आयन को, जिसकी वजह से बेसिसिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ स्टेबलाइज कर रहा था ये ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज कर रहा था, जिसकी वजह से बेसिसिटी इंक्रीज हो रही थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डीस्टेबलाइज करेगा, जिसकी वजह से बेसिसिटी आपकी डिक्रीज होगी, ठीक है। अब बिल्कुल फिनोल्स की तरह, अब फिनोल्स में ऑर्थो पोजीशन पर अगर आपके ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या विड्राइंग, वो आपके बेसिस एसिडिटी को इंक्रीज करते थे, यहाँ पर भी आपका ऑर्थो इफेक्ट होता है। ऑर्थो इफेक्ट क्या है, कि चाहे आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो, चाहे आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट हो, अगर वो ऑर्थो पोजीशन पर प्रेजेंट हैं तो वो बेसिसिटी को डिक्रीज करेंगे,
एंड दिस इफेक्ट इज़ नोन एज ऑर्थो इफेक्ट। फिनोल्स में हमने किया था कि ऑर्थो पोजिशन पर प्रेजेंट हैं तो एसिडिटी को वो इंक्रीज़ करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर प्रेजेंट हैं तो वो बेसिसिटी को आपके डिक्रीज़ करेंगे एंड दिस इफेक्ट इज़ नोन एज ऑर्थो इफेक्ट। यानी कि ऑर्थो वाले तो आपके जो हैं वो सबसे कम बेसिक रहेंगे, क्लियर, ऑर्थो वाले आपके सबसे कम बेसिक रहेंगे। अब जैसे मैं सपोज करो मैं आपका ये कह दूं कि एनिलिन आपका था, ठीक है, एनिलिन की मैंने पैरा पोजिशन पर लगा दिया, पैरा टोल्विडिन मेटा टोल्विडिन ऑर्थो टोल्विडिन और एनिलिन, इनका बेसिक करेक्टर मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहा कि सबसे ज़्यादा किसका होगा कम किसका होगा। तो आपको याद रखना है कि जो भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स जो है अगर पैरा पोजिशन पर प्रेजेंट होते हैं तो उनकी बेसिसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू व्हेन दे आर प्रेजेंट इन मेटा पोजिशन, ठीक है, क्योंकि मेटा पोजिशन पर रेजोनेंस इफेक्ट नहीं होता, यहाँ पर आपका रेजोनेंस और इंडक्टिव दोनों इफेक्ट हैं तो बेसिसिटी आपकी यहाँ ज़्यादा होगी। यानी कि आपका नंबर वन पे तो ये बेसिक हो जाएगा, सेकंड पे ये हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया ऑर्थो पोजिशन पर तो हमेशा बेसिसिटी डिक्रीज होगी, तो यानी थर्ड पर ये हो जाएगा और फोर्थ पर ये, तो ये आपका लीस्ट बेसिक रहेगा और पैरा वाला आपका जो है मोस्ट बेसिक रहेगा, स्ट्रॉन्गली बेसिक होगा ये आपका। तो पहले पैरा, फिर मेटा, फिर आपका प्योर एनिलिन सिंपल एंड देन आपका ऑर्थो, ठीक है। अब मैं इस पर लगाती हूँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में सपोज करो मैंने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, एक मेरा है पैरा नाइट्रो एनिलिन, मेटा नाइट्रो एनिलिन, ऑर्थो नाइट्रो एनिलिन एंड एनिलिन, ठीक है। अब मुझे इनका कंपेयर करना है। अब पैरा वाले जो इलेक्ट्रॉन सॉरी विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं वो क्या करते हैं, बेसिसिटी को कम करते हैं, ठीक है, और वो बेसिसिटी को कम जब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का जो बेस वीकनिंग इफेक्ट है वो आपका ग्रेटर होता है जब पैरा पोजीशन पर प्रेजेंट होता है। पैरा पे इफेक्ट ज़्यादा ही रहेगा क्योंकि पैरा पे रेजोनेंस इंडक्टिव हाइपरकंजुगेशन सारे इफेक्ट आपके जो हैं इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो पैरा जो है आपका वो वीकली बेसिक हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू मेटा, ठीक है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेसिसिटी को कम करते हैं तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिक तो एनिलिन रहेगा आपका, क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका मेटा आ जाएगा, मेटा आपका इससे कम बेसिक होगा, देन पैरा आपका उससे भी कम बेसिक होगा और ऑर्थो आपका सबसे कम बेसिक होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के केस में एनिलिन आपका मोस्ट बेसिक हो जाएगा और ऑर्थो वाला आपका लीस्ट बेसिक रहेगा। और अगर हम ऑर्थो मेटा पैरा की ही बात करें तो आप ये कह सकते हैं ऑर्थो वाला आपका सबसे कम, देन पैरा, देन मेटा। ठीक है, ये मैं बात कर रही हूँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की। और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का मैं इस तरह से आपको ट्रेंड बताऊं तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में पैरा मेटा एंड ऑर्थो, क्योंकि यहाँ ये डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, यहाँ बेसिसिटी को बढ़ा रहे हैं, तो पैरा पे इफेक्ट ज़्यादा होता है तो पैरा पे बेसिसिटी ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है, और मेटा पे उससे कम, ऑर्थो पे उससे कम। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेसिसिटी को कम करते हैं, ठीक है, और बेसिसिटी का जो बेस वीकनिंग इफेक्ट है वो पैरा पोजिशन पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट आएगा उसका, तो पैरा की बेसिसिटी कम हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू मेटा।
ठीक है। और ऑर्थो का आपने ध्यान रखना है, ऑर्थो पर प्रेजेंट हैं तो बेस वीकनिंग इफेक्ट सबसे मैक्सिमम होता है एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज ऑर्थो इफेक्ट, राइट। तो इन जनरल आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है वो बेसिसिटी को बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेसिसिटी को कम करते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऑर्थो पोजिशन पर प्रेजेंट हैं तो दे ऑलवेज डिक्रीजेज द बेसिसिटी वेदर दे आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और दे आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, राइट। तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर टॉपिक बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।